मध्य प्रदेश के रतलाम से एक सनसनीखेज वारदात आपको बता दें, जहां पर आलोट में एक ही परिवार की तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के नाम पर एक तांत्रिक ने ही इस घटना को अंजाम दिया। महिला ने तांत्रिक को अपने घर बुलाया था, जिसके बाद तांत्रिक ने महिला, बहन और बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तांत्रिक राजस्थान का रहने वाला है। आलोट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और अब पुलिस आरोपी को गिरफ्त में लेकर उससे आगे की पूछताछ कर रही है। तो महिला ने ही बताया जा रहा है कि तांत्रिक को अपने घर पर बुलाया था और उसके बाद तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के नाम पर तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। महिला ने तांत्रिक को अपने घर बुलाया था, जिसके बाद तांत्रिक ने तंत्र क्रिया के नाम पर तीन महिलाओं को बेहोश का शिकार बनाया, महिला, बहन और उसकी बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। रतलाम के आलोट में एक ही परिवार की तीन महिलाओं के साथ ही घटना हुई है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया और ये भी जानकारी सामने आई है कि तांत्रिक दरअसल राजस्थान का रहने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश आया था और मध्य प्रदेश में एक परिवार को उसने अपने हवस का शिकार बनाया, दंडगी की घटना को अंजाम दिया है। एक ही परिवार की तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां पर आलोट में एक ही परिवार की तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला ने तांत्रिक को अपने घर पर बुलाया था, जिसके बाद तांत्रिक ने तंत्र मंत्र क्रिया के नाम पर महिला, बहन और बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी तांत्रिक को गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तांत्रिक राजस्थान का रहने वाला है। आलोट थाना क्षेत्र से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां पर तांत्रिक क्रिया के नाम पर तीन महिलाओं के साथ में दुराचार किया गया है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्त में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी है। तांत्रिक ने तीन महिलाओं से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान का ये तांत्रिक रहने वाला था, जिसने मध्य प्रदेश में इस घटना को अंजाम दिया है। तांत्रिक क्रिया के नाम पर तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना रतलाम में हुई है। रतलाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट दीजिएगा। हेलो जी विनोद। जी मैं बता दूं, ये रतलाम के आलोट का थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर तीन महिलाओं के साथ में माँ, बेटी और उसकी बहन के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये दरअसल ये मामला 7 दिन पहले एक महिला को स्टेशन पर एक पुरुष मिला था, जिसने ये बताया कि उन्हें गड़ा धन मिल जाएगा और उनके घर की जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। इसी को लेकर महिलाओं ने उससे पूजा पाठ के लिए घर पे बुलवाया और जिस जहाँ पर उसको कुछ दवाई मिलाकर और उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विनोद। तो देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, जागरूकता की कमी की वजह से लोग जो हैं वो इस तरह के झांसे में आ जाते हैं और ऐसी ही एक घटना यहाँ पर हुई है, जिसे कितने गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं कि गड़ा धान निकालने के नाम पर तांत्रिक ने तीन महिलाओं के साथ घर में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। कथित तांत्रिक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि आरोपी बलवीर सिंह चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला है, जो एक हफ्ते पहले किसी काम से आलोट पहुंचा था। रेलवे स्टेशन पर पीड़ित परिवार के सदस्य के साथ तांत्रिक का परिचय हुआ और तब तांत्रिक ने गड़ा धन निकालने का झांसा दिया और पीड़ित के घर पर ही रहने लगा। इस दौरान पीड़ितों को ताबीज देकर घर में सिर्फ महिलाओं के रहने से ही काम होने की बात उसने कही और पति और बेटे को यह कहकर बाहर भिजवाया। जब वो बाहर गए तो महिलाओं को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया गया और इस दौरान पत्नी, बेटी और बहन के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। व्यक्ति आरोपी है, वो रेलवे स्टेशन पे था और ये जो महिला है जिनका घर है यहाँ पे पिपली बाजार में, उनकी माता को वो मिला था। उनकी माता ने कुछ परेशानी बताई अपने उस व्यक्ति को, तो उसने ये कहा कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं कुछ इसमें घर पे आकर पूजा पाठ करूँगा तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसके द्वारा पिछले कई दिनों से, लगभग 8 से 10 दिनों से, उसके साथ महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है, तो ये प्रकरण सामने आया है।